जरा सोच कर देखिए कि अगर आप 10-12 दिन तक नहीं नहाएंगे तो क्या होगा। सोच कर देखिए कि आप जो खाते हैं वो सिर्फ आप खाएंगे और आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, टॉयलेट नहीं होगा तो क्या होगा। सोच कर देखिए कि हम अपने घर की महीने डेढ़ महीने से सफाई नहीं की है तो क्या होगा। बहुत गंदगी फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाएगी और ये हमारे तन मन और आत्मा को दूषित कर देगा और बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नेगेटिविटी से भर देगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक जादुई प्रेयर के बारे में जिसका नाम है होपोनोपोनो। सुनने में अजीब लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब इसकी महिमा के बारे में समझेंगे, जब आप समझेंगे कि इसने कितने लोगों की ज़िंदगी को बेहतरीन बना दिया है, तो आप इसका नाम ही नहीं इसकी हर चीज़ को महसूस कर पाएंगे, हर एक अंग को महसूस कर पाएंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों हम यहां बातें करते हैं मॉडर्न हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। हमारा एक और चैनल है जिसमें हम एंशिएंट हीलिंग साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि यौगिक और आध्यात्मिक है। तो एक प्राचीन हवाईयन प्रेयर जिसका नाम है होपोनोपोनो, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई। हवाई में एक हॉस्पिटल था, मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे, मरीज बढ़ते जा रहे थे और वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे उन्हें संभालते संभालते। पेशेंट काफ़ी क्रिमिनल टाइप के थे, काफ़ी खतरनाक थे, जिन्हें संभालना मुश्किल था। तभी एंट्री हुई एक देवता की, एक भगवान जैसे डॉक्टर की, जिनका नाम था डॉक्टर ह्यू लेन। डॉक्टर ह्यू लेन एक विचारक थे, थोड़े से स्पिरिचुअल भी थे और अपनी सोचने विचारने की क्षमता से, अपने चिंतन मनन से उन्होंने एक प्रेयर को ईजाद किया। इस प्रेयर का नाम रखा उन्होंने होपोनोपोनो और इस प्रेयर की मदद से उन्होंने पूरे हॉस्पिटल के सारी पेशेंट को ठीक कर दिया, सभी पेशेंट को ठीक कर दिया। और हद तो तब हो गई जब वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया, और बंद भी क्यों ना हो, सारे पेशेंट ठीक होकर चले गए और कोई पेशेंट आया ही नहीं। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? ज़रूर आएगा। ये होपोनोपोनो प्रेयर है ही कुछ ऐसा। इसमें चार लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पहली लाइन है आई एम सॉरी, दूसरी लाइन है प्लीज़ फॉरगिव मी, तीसरी लाइन है थैंक यू और चौथी लाइन है आई लव यू। सुनने में बहुत ही आसान, हमेशा सुना है, हमेशा कहा है, अलग अलग तो आपने कितने बार कहा होगा, लेकिन ये चारों लाइन जब एक साथ पूरी फीलिंग के साथ जब आप बोलते हैं, महसूस करते हैं या सुनते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसी तरंगे पैदा होती है जो इतनी पॉजिटिव होती है, जो लाइफ के हर प्रॉब्लम को कील कर सकती है, सफाई कर सकती है। क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर का शाब्दिक अर्थ ही है सफाई, टू क्लीन, टू डिलीट, टू रिजॉल्व दिस ऑल दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब ही कुछ यही है। तो आप जब भी इस प्रेयर का इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। बट आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए पूरी सीरीज़ बनेगी। होपोनोपोनो इतना छोटा नहीं है कि मैं 8-10 मिनट की वीडियो में आपको समझा सकूं। हर प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे। रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, स्टडी के लिए, हेल्थ के लिए, मोटापे के लिए, दुबलापे के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपनी कार खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए आप होपोनोपोनो का इस्तेमाल करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों लेकिन आपको इसका मतलब तो अभी समझना ही होगा। पहला, जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम अपने अभिमान से नीचे उतरते हैं, हम अफसोस करते हैं उन सारी गलतियों के लिए जो भी हमने की है। उसके बाद हम जब फॉरगिवनेस मांगते हैं तो हमारा अभिमान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है, हम अपनी गलती को स्वीकार करके उसके लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, हम झुक रहे होते हैं। और झुकने से तो अभिमान ख़त्म हो ही जाता है, और जब भी हमारे अंदर से अभिमान ख़त्म होता है, हम ऊँचे उठने लगते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। देन तीसरा नंबर आता है थैंक यू। थैंक यू का ये भाव आपको अंदर से भर देता है ग्रेटिट्यूड से, मतलब पाने के भाव से। ऑब्वियसली बात है, आप थैंक यू किसी को कब बोलते हैं, जब आपको कोई चीज़ मिलती है, और जब आप पहले से थैंक यू बोलते हैं तो आपको वो चीज़ बाद में मिलती है। तो आपने सॉरी बोला अपनी गलती के लिए, आपने फॉरगिवनेस मांगा अपनी उस की हुई गलती के लिए, अब आपने थैंक यू बोला उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको अब तक मिली है, जो चीज़ें आपके पास है। फिर आप बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू बोलते ही आपके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होता है और आपका रिश्ता उस चीज़ से,
चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे आप इमोशनली अटैच होते हैं। लेकिन हम कभी भी ये चारों लाइन उस चीज़ को नहीं बोलते हैं जिसके लिए हम ये प्रेयर कर रहे हैं। हम देते हैं सीधे यूनिवर्स की तरफ मुंह करके प्रेयर करते हैं, आ ऊपर की तरफ देखते हैं और प्रेयर करते हैं उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा को, उस फॉर्मलेस सबिस्टियन को, यानी कि उस निराकार ब्रह्म को जिसे भी हम भगवान के रूप में जानते हैं। हम उसे ये वो प्रेयर भेजते हैं और उस थॉट के साथ भेजते हैं जिस थॉट के लिए हम वो प्रेयर कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रेयर का मतलब ही है सफाई। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, अगर कोई इंसान, कोई ख़राब रिश्ता या कोई धोखा आपको मिला है आपकी लाइफ में और आप उसकी वजह से कुंठित हैं, आपको ये प्रेयर करना चाहिए। देखो दोस्तों, आपके अंदर ये बात आएगी कि यार मेरी लाइफ में वो गलत इंसान आया जिसने मुझे धोखा दिया, मेरी लाइफ में वो धोखेबाज पार्टनर आया जिसने मुझे पैसों का धोखा दिया, मेरी कार को उस बंदे ने ठोका, उसकी गलती थी। आप सोचेंगे गलती उसने की तो सॉरी मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों यूनिवर्स को सॉरी बोलूँ, उसकी गलती है। तो मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा दोस्त की, अगर घर आपका है और कोई और इंसान गंदा करके चला गया है तो क्या आप इस बात का वेट करेंगे कि वो आके आपका घर साफ़ करके जाए? नहीं ना। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर किसी ने कुछ गलत करके गया है तो वो गलती बेशक उसकी है, लेकिन आप वेट नहीं करेंगे ना इसकी सफाई के लिए। तो जल्दी से अपने मन के इस अंतर मन को, इस अंतर जगत को साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए इसे इस प्रेयर के ज़रिए, और इस प्रेयर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को शुद्ध करके मैनिफेस्टेशन से भर दीजिए, वो उन सारी खुशियों से भर दीजिए जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, ho'oponopono के बारे में एक लाइट सी जानकारी तो मैंने दे दी है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल कब, कैसे, कहां कहां और कैसे कैसे हो सकता है, क्या राइट फॉर्म है, किस टाइम पे इसे करना चाहिए, किस किस टाइम पे इसका करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वैसे तो इसे हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए कौन कौन सी फीलिंग होनी चाहिए इसके लिए हम अगले वीडियो पर बात करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस ho'oponopono के ज़रिए मैं आपकी लाइफ को इतने बेहतरीन तरीके से हील करना आपको सिखाऊंगा। नॉट ओनली योर लाइफ, अपने ho'oponopono प्रेयर के ज़रिए आप दूसरों की लाइफ को हील कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ह्यू लेन ने ही इस प्रेयर का इस्तेमाल करके अपने सारे पेशेंट्स को हील किया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो और ये ho'oponopono आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो पे, इस संबंध पर बहुत सारी बातें करनी बाकी है। तब तक के लिए नमस्ते है जी।